हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग जो है बेटा लास्ट चैप्टर करेंगे एवोल्यूशन का, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। सॉरी, तो लास्ट टॉपिक जो हम करेंगे अब इसमें, उससे पहले पिछला रिवाइज कर लेते हैं जो पिछली क्लास में पढ़ा था आपने लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। आई होप अब तक आपने ट्यूटोरियल्स और जो पिछले लेक्चर्स हैं वो सारे देख लिए होंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच वी डन इन द लास्ट क्लास। उसको रिवाइज कर लेते हैं पहले और फिर हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो देखो भाई, ये हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था पढ़ना, जिसको हम लोग कहते हैं हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी इज अ इंग्लिश मैन, वेनबर्ग वॉज अ जर्मन फिजिशियन। फ्रिक्वेंसी ऑफ जीन्स और अलील्स इन अ पॉपुलेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट। यानी जो बाकी के फैक्टर्स जो हमने पढ़े भी थे कि जीन कितने आएंगे पर 1000 में, कितना नंबर होगा किस अलील का, किस ट्रेट का, वो कांस्टेंट रहेगा अगर पांच फैक्टर्स ना हो तो। कौन से पांच फैक्टर्स ना हो तो? म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। और कौन सी चीजें होंगी जो कांस्टेंट बनाए रखने में मदद करेंगी? लार्ज साइज पॉपुलेशन, समथिंग विच नेवर अंडरगोज एनी चेंज, देर इज नो माइग्रेशन, नो म्यूटेशन और नेग्लिजिबल म्यूटेशन एंड रेंडम मेटिंग। हालांकि ऐसा बहुत कम हो पाता है कि कोई माइग्रेशन या म्यूटेशन ना हो, तो ये थियोरटिकल एक तरीके से इवोल्यूशन को चेक करने का पैरामीटर है हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तीन चीजें होती हैं पॉपुलेशन में, होमोजाइगस जीन या लील्स होते हैं पेयर में, तो होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेटरोजाइगस, तीनों को आपने रिप्रेजेंट कर दिया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड 2PQ। ये इक्वेशन नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए, प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। कहीं अगर क्वेश्चन वो बना देते हैं और कहते हैं कि चलो बताओ क्या आंसर होगा, और उसमें अगर वो क्वेश्चन में लिख दें फॉर ए इवॉल्विंग पॉपुलेशन, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वहां वो इक्वेशन वैलिड नहीं होगी, एक ऑप्शन आपको मिलेगा द अबव इक्वेशन इज नॉट वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन। जिसको लोग मार्क नहीं करते हैं, छोटी सी बात को याद ना रखने की वजह से वो उसको मार्क करने में कभी कभी गलती कर देते हैं। जीन माइग्रेशन क्या होता है? जीन या अलील्स न्यू पॉपुलेशन में या तो ऐड हो या पुरानी से लॉस्ट हो, बेटा दोनों ही केसेस में जीन की फ्रीक्वेंसी, अकरेंस ऑफ नंबर ऑफ जीन्स इन दैट पॉपुलेशन, पर्टिकुलर पॉपुलेशन, वो कम या ज़्यादा हो जाती है, तो जो कि एक फैक्टर था जो नहीं होना चाहिए था अगर नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन थी तो। दूसरा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जैसे कोई पॉपुलेशन बीच में से आइसोलेट हो जाए और नई जगह पे कुछ टाइम में, नए हैबिटेट में अपने आप को नई तरीके से फाउंड कर ले, जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह के फाउंडर्स होते हैं, है ना, ऐसे बॉटलनेक इफेक्ट के अर्थक्वेक वगैरह आ जाए, या हाथी का हमने समझाया था किसी छोटे से उस पर पैर रख दे बीटल्स के ग्रुप पे जो 10th में हम पढ़ते हैं, या चीता को हंट करना, ये सब बॉटलनेक इफेक्ट में आता है। म्यूटेशन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम को चेंज करना। रिकॉम्बिनेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ नॉन लिंक्ड जीन्स, या फिर क्रॉसिंग ओवर बिटवीन लिंक्ड जीन्स, ये फैक्टर्स जो इनसे चेंज आएगा। फिर हमने पढ़ा था नेचुरल सिलेक्शन, कि ह्यूमन बेबी बर्थ वेट, जिसमें मीन सिलेक्ट होता है, पेरिफ्रीज नहीं सिलेक्ट होती हैं, एक डायरेक्शन में सिलेक्ट होने वाला इंडस्ट्रियल मेलनिज्म या DDT रेजिस्टेंस, और एवरेज एलिमिनेशन वाला भी हमने पढ़ा था कि एवरेज को एलिमिनेट करके पेरिफ्रीज को सिलेक्ट करते हैं, डिसरप्टिव या डाइवर्सिफाइंग, इसका दूसरा नाम भी याद रख लेना चाहिए अगर हम रखना चाहते हैं तो, कि इसी का एक और नाम होता है बेटे डाइवर्सिफाइंग, ये एफ बीच में से रिमूव कर लीजिएगा, वाई सॉरी एफ कह रहा हूं, डाइवर्सिफाइंग नेचुरल सिलेक्शन। तो स्टेबलाइजिंग, जहां पे एवरेज एलिमिनेट ना हो, बाकी सब एलिमिनेट हो जाए जो एवरेज से अवे हो। डायरेक्शनल, व्हेन एनवायरमेंट इज प्रोग्रेसिवली चेंजिंग इन वन डायरेक्शन, ब्लैक और व्हाइट मॉथ वाला एग्जाम्पल, और डिसरप्टिव, जिसमें एक पर्टिकुलर चीज ट्रेड सेलेक्ट होती है, या तो वो सनफ्लावर वाला एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं, जहाँ पर हमें मालूम है कि ड्राई और वेट सेलेक्ट होगा, बीच वाला एरिया मार्शी जो पहले था वो हट जाता है, या फिर लॉन्ग एंड शॉर्ट कॉर्न्स लेते हैं, एवरेज कॉर्न्स नहीं लेते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं जब सीड्स को, कॉर्न्स जो हम ईट करते हैं वो वाले हैं यहाँ पर। इंडस्ट्रियल मेलनिज्म, पॉपुलेटेड एरिया जो बी हिस्सा है उसमें इजी टू कंज्यूम हो जाता है, क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो पॉल्यूटेड हो चुका है। इसका एग्जाम्पल हमने समझा कि ब्लैक मोथ्स जो थे वो 1% थे अनपॉपुलेटेड एरिया 1845 में, फिर इंडस्ट्रीज आई तो 99, और ऐसे इंडस्ट्री चेंज हुई अगर इलेक्ट्रिकल हो गई कोल से, तो वापस जो वाइट वाले ग्रे वाले हैं वो रिप्रेजेंट करने लग गए ज़्यादा अमाउंट में। आर्टिफिशियल सिलेक्शन,
ह्यूमंस ने किस तरीके से सिलेक्शन किया है कि वाइल्ड मस्टर्ड को लेके कभी उसकी लीव्स पे फोकस करके केल बना लिया, कभी उसके इंटरनोड लेंथ को सप्रेस करके कैबेज बना लिया, कभी ब्रोकली बना ली, कभी कॉलीफ्लावर्स बना लिए, स्टेरिलिटी ऑफ फ्लावर्स इंड्यूस करके एनहांसमेंट ऑफ लैटरल मेरिस्टम से कोलहरबी बना लिया। तो ये ह्यूमन एफर्ट्स हैं टू मॉडिफाई वाइल्ड ब्रीड्स, और ऐसा नहीं है सिर्फ प्लांट्स के लिए हैं, एनिमल ब्रीडिंग म्यूल हिनी वगैरह भी हम जानते हैं। आइसोलेशन, लार्ज पॉपुलेशन को छोटे पॉपुलेशन में कोई भी चीज़ ब्रेक कर दे, घर में चार आदमी अलग अलग हैं, आजकल होम आइसोलेशन हम जानते हैं क्या होता है कोविड में, मतलब क्या है कि जो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप है उसको छोटे ग्रुप्स में प्रमोट करते हैं। जब अकेले रहेंगे, ज़्यादा इंट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो खुद की वेरिएशंस डेवलप होंगी, खुद की नई हॉबीज़ या हैबिट्स जरूर डेवलप होंगी। तो ज्योग्राफिकल हो सकता है बैरियर, जैसे आजकल हमारे यहाँ चल रहा है घरों में या एरियाज़ में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, जिसमें हैबिटेट ही अलग है, एक सी वाटर की है और एक फ्रेश वाटर की फिश है, तो वो कभी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। इकोलॉजिकल, प्रीजाइगोटिक, तीन इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में, पढ़ के आए हैं हम, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले आपने अगर रोक दिया यानी जायगोट बनने ही नहीं दिया, तो जैसे दो अलग अलग लोग कभी मेट ही नहीं करेंगे आपस में, तो फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं है। सी और रिवर फ्रेश वाटर वाले। टेम्पोरल आइसोलेशन, ब्रीडिंग सीजन्स अलग है, कोई समर में ब्रीड करता है और कोई विंटर में, हमें मालूम है सब लोग कंटिन्यूस ब्रीडर्स नहीं होते हैं। मैकेनिकल आइसोलेशन, गैमेट्स का साइज इस तरीके का है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का साइज इस तरीके का है कि दो डोंट इंटरलॉक विद ईच अदर। पोस्ट जायगोटिक आइसोलेशन क्या होता है, जैसे जायगोटिक जायगोट्स फेल टू डेवलप, जायगोट बन गया लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म में नहीं बना, स्टेरिलिटी बना जायगोट ऑफस्प्रिंग में लेकिन वो स्टेराइल है, ब्रेक डाउन हाइब्रिड जो ऑफस्प्रिंग का, हाइब्रिड तक स्टेराइल है लेकिन ऑफस्प्रिंग ऑफ हाइब्रिड इज नॉट फर्टाइल या इट इज स्टेराइल। तो ये तीन तरीके की ये हो गई। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था भाई, ये सारे का सारा जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये हमारे को बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए समझ में। अब हम आज की क्लास की बात कर लेते हैं इसके जस्ट बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिएशन। इस आइसोलेशन से जो स्पीसीज बनी वो मेनली कितने तरीके की बनेंगी, तो बहुत ईजी सी बात है, कॉमन सेंस है, दो था रिप्रोडक्टिव या ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, तो दोनों से अलग अलग स्पीसीज बनेगी, तो स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या होती है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज दो तरीके से होगी, फ्रॉम अ ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड पॉपुलेशन एंड फ्रॉम अ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अगर ज्योग्राफिकल आइसोलेटेड से होती है बेटा, तो उसको हम बोलते हैं एलोपैट्रिक, कि दोनों बहुत दूर दूर रह के उन्होंने अपना काम करा है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कॉल्ड एज दिस। और अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन से बनता है, यानी साथ साथ ही थे लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए साथ रहने की वजह से, उसको कहते हैं सिम्पेट्रिक आइसोलेशन, ठीक है। और अगर सिंगल पॉपुलेशन में इस तरीके से चेंजेस होने लग जाएं कि ए ये तो दो अलग अलग थे तो दो अलग अलग बन गए, अगर ऐसा होने लग जाए जो होता है सी टाइप, ये तो हो गया ए टाइप, ये हो गया बी टाइप, और एक ले लेते हैं सी टाइप, कि ए जो है वो कन्वर्ट हो गया बी में और बी जो हो गया वो कन्वर्ट हो गया सी में, तो इस तरीके का जो इवोल्यूशन होता है कि ए पॉपुलेशन जो है वो कन्वर्ट हो गई बी में और बी पॉपुलेशन जो है कन्वर्ट हो गई वो सी में, इसको कहते हैं कॉल्ड एज फाइलेटिक इवोल्यूशन, एक सिंगल सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन पे जो अप्लाई होता है और इस तरीके से चेंज करता है और बहुत जल्दी हो जाए, और ये जो फाइलेटिक इवोल्यूशन होती है धीरे धीरे होती है विद पैसेज ऑफ टाइम होती है। तो तीन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्पेसिएशन हैं, तीनों हमारे को पता होनी चाहिए बेटे हर हालत में, ठीक है। तो जो लिखना चाहते हैं बच्चे वो फटाफट इसको एक मिनट लेके लिख सकते हैं कि स्पेसिएशन के तीन तरीके कौन से हैं। जिसने आइसोलेशन पिछली क्लास में ध्यान से सुना होगा उसको स्पेसिएशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, टेक योर वन मिनट टाइम एंड प्लीज राइट दिस। ठीक है, बाकी पिछला अपने को याद रखना है कि पिछले वाले में हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। चैप्टर में हम शुरू से टैक्सोनॉमी के बेस पे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन सबसे पहला टॉपिक हमारा वही था लेक्चर वन में, फिर हमने एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस देखे, मिसिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक, होमोलोगस, एनालोगस वाला, हार्ड एच ई आर डी होमोलोगस, अडेप्टिव रेडिएशन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन,
एनालोगस में हमने पता किया सुपरफिशियल रिजेंबलेंस होगी, होमोलोगस में पता किया कि स्ट्रक्चरल रिजेंबलेंस होगी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन की वजह से। चलिए, हो सकता है डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली हो, इसको पूरा कर लीजिए साथ साथ ही। उसके बाद हम लोगों ने बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस, नियाक्टेक पोलियाक्टेक वगैरह की रीजंस, नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन रीजंस, डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस, वैलेस लाइंस, ये सब, ओरिजिन ऑफ अर्थ वगैरह पढ़ा, यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, कौन कौन सी अमोनिया की गैस, मिथेन वाली गैस, ये गैसेस हाइड्रोजन वाली गैस, इनका रेशियो क्या है ये देखा, किस तरीके से बिग बैंग से फॉर्मेशन हुई ओरिजिन, फिर लाइफ की बहुत सारी और कौन सी थ्योरीज हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की, स्पेशल क्रिएशन, लुईस पाश्चर, स्प्लेंजनी, रेडी, ये सब जो है हमने देखा एक एक करके, किसने स्वान नेक में किया, किसने ईस्ट का सिरप लिया, किसने मीट को जार में क्लोज किया, कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या थी, कौन उसका सपोर्टर था, डार्विन की सबसे बड़ी कमी क्या थी, लमार्क के जर्म प्लाज्म, डार्विन की पेंजेनेसिस सबसे बड़ी कमी, म्यूटेशन, ह्यूगोडी वेरीज, है ना। और आज की क्लास ये हमने जो है लेक्चर 1, 2, 3, 4 का जो है बेसिक डिस्कस कर लिया है कि अब तक हम ये कॉन्सेप्ट कर चुके हैं। दो लेक्चर्स में एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन थे पूरे, एक लेक्चर में ऑरिजिन ऑफ अर्थ था, और फोर्थ तो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा ही है वो सब, और एक में जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स वगैरह करे थे। आज जो है अब हम ये चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। चलिए, लिख लिया मेरे ख्याल से बेटा आप सभी ने, अब आगे चलते हैं। नई थ्योरी, द रीसेंट थ्योरी जो आजकल बहुत कॉमन फेमस है उसकी बात कर लेते हैं, नियो डार्विनिज्म। अच्छी बात सिर्फ यही है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ फैक्टर्स देखने हैं कि अब हम कुल मिला के क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक बात है, नियो डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, हम सबको पता होना चाहिए किस पे बेसिस है ये थ्योरी, इस थ्योरी का क्या बेस है ये पता होना चाहिए हम लोगों को। बेस्ड ऑन रीसेंट फाइंडिंग्स, बेस्ड ऑन रीसेंट फाइंडिंग्स ऑफ जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, तो एकदम जो हम आजकल कंसिडर करते हैं रिड्यूसिंग वाला, रिडक्शनिस्ट जो साइंस है, एक एटॉमिक लेवल तक हम जाने की कोशिश करते हैं, उसी के बेस पर जो है नियो डार्विनिज्म की थ्योरी दी गई है। इसमें जो पॉइंट्स हैं या जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, फाइव फैक्टर्स आइडेंटिफाइड एज मेन बेसिस। तो कौन से पांच फैक्टर हैं जिनको हम मेनली मानते हैं इस ग्रुप में, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। तो फर्स्ट फैक्टर इज जीन म्यूटेशन, सेकेंड फैक्टर इज क्रोमोसोमल चेंज, पता ही है क्रोमोसोम के ऊपर ही होती है इनकी लोकेशन, तो वो चेंज हो रहा है तो उसमें चेंज तो ऑब्वियस है बेटे। थर्ड फैक्टर इज जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, तो तीन मेन फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं जेनेटिक वेरिएबिलिटी के लिए, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर करते हैं बेटे जेनेटिक वेरिएबिलिटी। और जो ये तीनों चेंज हो रहे हैं, जीन म्यूटेशन हो रहा है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, दिस चेंजेस आर एक्टेड बाय टू फैक्टर्स, these changes are acted upon by natural selection which is factor number 4 and reproductive isolation and factor number 5 is reproductive isolation। ठीक है, तो ये हमने सारी स्टडीज़ करके पांच मेन फैक्टर्स को माना है विच गाइड पॉपुलेशन इनटू अडेप्टिव चैनल्स। ये जो फोर्थ और फिफ्थ है, दोनों मिलके क्या करते हैं, पॉपुलेशन को गाइड करते हैं
into adaptive channels. ये हो गए पांच मेन फैक्टर्स, फाइव फैक्टर्स या फाइव फैक्टर्स जो मेन बेसिस हैं वो ये हैं. इसके अलावा जो एसेसरी फैक्टर्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं. तो एसेसरी फैक्टर्स लाइक जीन माइग्रेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन, एंड हाइब्रिडाइजेशन इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी. इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी. और लास्ट फैक्टर जो होता है जो काम कर सकता है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशंस में वो कौन सा होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट. कौन सा होगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट, जो बाय चांस होता है ना. लास्टली द चांस फैक्टर्स ब्रैकेट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑल्सो रेलिवेंट इन स्मॉल पॉपुलेशंस. तो ये हो गया अपना काम. नियो डार्विनिज्म वाली जो थ्योरी है या जो मॉडर्न थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो हमें पता होना चाहिए और के साथ, बल्कि हम मॉडर्न भी लिख लेते हैं कहीं कोई कंफ्यूज ना हो. और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो गाइस आई थिंक ये भी हमें लिख लेनी चाहिए बेटे. मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तीन मेन चेंजेस जो दो मेन फैक्टर्स के ऊपर एक्ट अपॉन किए जाते हैं और उसके बाद एसेसरी फैक्टर्स एंड लास्ट फैक्टर्स. तो ये माना जा रहा है इसके हिसाब से, डार्विनिज्म वाला प्रिंसिपल अपने को याद होगा ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, लमार्किज्म वाला याद होगा इंटरनल वाइटल फोर्स यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स. तो यहाँ पर ये नियो डार्विनिज्म वाली बात है और द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. प्लीज राइट दिस. Take your 1 minute time and write this. It is important to write. साथ साथ लिखते रहोगे और अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ को रिवाइज करोगे तो जल्दी हो जाएगा. Keep writing guys. और पिछले सारे lectures के notes देख लेने हैं, ज़रूरी है ये चीज़ भी. और जहाँ भी जो भी खासकर प्रॉब्लम है वो टॉपिक के डिस्क्रिप्शन में अपने को मिली जाता है कि इसमें हमने क्या पढ़ा है. वीडियो लेक्चर देखने से पहले फटाफट नोट्स में भी स्क्रॉल डाउन कर सकते हो तो आइडिया लग जाएगा कि बीच के सेक्शन जो नोट्स नीचे की तरफ है वो मिडल में आए होंगे कहीं वीडियो में, जो लास्ट में वो लास्ट में आए होंगे. तो जो सेक्शन देखना चाहो वो भी देख सकते हो. और अगर कंप्लीट देखना चाह रहा है, दो तरीके के लोग हो सकते हैं देखने वाले, एक जो कहीं और से कुछ देख ही रहे हैं और जो सिंगल सोर्स पे फॉलो कर रहे हैं. तो अगर आपको यहाँ लगता है कि सबसे बेटर चीज़ें हो रही हैं तो फिर इसी पे स्टिक करें, पुराने को छोड़ दें. दो तरफ नहीं चलना है और स्मार्ट इनफ हो तो वहाँ से देखते रहो, जो वहाँ नहीं समझ आ रहा है वो यहाँ से पिक करते रहो. बट पिक करना ज़रूरी है, एक डायरेक्शन में काम करना बहुत ज़रूरी है गाइस. चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये भी लिख लिया होगा, अब इसको लिख लें और कंप्लीट कर लें. द कंप्लीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम लोग ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की बात करेंगे कि धीरे धीरे किस एरिया में क्या आया है. तो वो जो टाइम स्केल्स वाली बात हमने करी थी उसको हम एक बार फिर से रिपीट करने की सोचेंगे. चलिए मेरे ख्याल से बच्चे ये हमने लिख लिया होगा. 1 मिनट टाइम इज सफिशिएंट टू राइट दिस. टेक 10 मोर सेकेंड्स इफ यू वॉन्ट टू टेक. तो जीन माइग्रेशन, क्रोमोजोमल चेंजेस ये मेन फैक्टर्स हैं, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उस पर एक्ट करने वाले हैं, और जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया या सॉरी जीन म्यूटेशन मेन फैक्टर है. जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया या जीन माइग्रेशन जो टाइप की चीज़ें हैं वो एसेसरी तौर पर काम कर रही हैं. चलिए अब हम आगे चलते हैं और अपनी धीरे धीरे एक एक करके
जो पॉइंट है उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर हम सोचें कि नो लाइफ था, एजोइक जो एरा है, पढ़ा था ना एरा पीरियड्स एंड इपॉक्स, कैमल्स ओपन सिट डाउन के एफली वाला निमोनिक भी हमने इसमें पढ़ा था। तो जो हमारा यहाँ पर एजोइक एरा है, अगर हम उसकी बात करते हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, तो एजोइक एरा के हिसाब से ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, नो लाइफ था। क्या था बेटे? नो लाइफ। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि अराउंड ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ की आप बात करते हो, अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो, माया मतलब मिलियन ईयर्स अगो, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ का ओरिजिन वगैरह और डिटेल्स वो यूनिवर्सल वो हमने पढ़ाई हुआ है, 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले अर्थ आई है, फिर 4 बिलियन ईयर अगो पहले क्या हुआ, सब ओरिजिन ऑफ अर्थ में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन जब हम बात करते हैं तो पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एजोइक के बाद जो एर्केजोइक में आप आए, उस तरफ जब आप बढ़े तो करीबन 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो थी वो अपीयर हुई अर्थ के ऊपर, विच वॉज द वेरी फर्स्ट पॉइंट। धीरे धीरे फिर हमने वो भी पढ़ा हुआ है कि कैसे फोटोट्रॉफिक एनरोब से एरोब बने और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, वो पॉइंट भी हमारे को मालूम है। 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स आए। तो जब हम इनवर्टिब्रेट फाइलम के एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि ये जो कहानी हुई ये करीबन हुई अराउंड 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म्ड एंड वर एक्टिव, इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म्ड एंड वर एक्टिव। ठीक बात है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले इन्वर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए और वो लोग एक्टिव भी थे। ठीक है, तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए। फिर आ जाते हैं जॉलेस फिश। देखो खुद ही लिखा हुआ है सीक्वेंस में, है ना, इन्वर्टिब्रेट्स के बाद वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले एक ना था साइक्लोसोम्स वगैरह और उसी की बात होती है हमेशा। तो जॉलेस फिशेस जो थी वो कब आई? तो ये आई करीबन 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले। कितने दिन पहले? 350 मिलियन ईयर्स अगो इवॉल्व्ड। प्रोबेबल है, नॉट टू एग्जैक्ट, बट जो अपना रेडियोएक्टिव यूरेनियम मेथड है, कार्बन मेथड्स हैं, तो वहां से हम गेस करते हैं। जिस भी रॉक में इसका फॉसिल मिलता है तो देखते हैं रॉक कितनी ओल्ड है, तो उसका मिनरल जो होता है, मान लो उसमें यूरेनियम है, उसको हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है, तो जितना भी वो डिके हुआ होगा उसका रेडिएक्टिव फॉर्म नॉडिएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट, नॉन रेडिएक्टिव में कन्वर्ट हो गया होगा, उसी से कैलकुलेट करते हैं एज ऑफ रॉक और एज ऑफ फॉसिल। ठीक है, तो 350, 500, 2000, तो दिख रहा है काफ़ी लंबा समय गया एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने में, स्लोली स्लोली कन्वर्ट हुए। उसके बाद जॉलेस फिश की बात हो गई, इधर देखो साथ साथ में कुछ प्लांट्स आने लग गए, अर्ली स्पोर बियरिंग प्लांट्स। तो ये माना जाता है ये करीबन आए 320 माया, 320 मिलियन ईयर्स अगो। कितने अर्ली स्पोर बियरिंग प्लांट या अर्ली प्लांट्स जो थे वो 320 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास जो हैं हमारे पास प्रेजेंट थे। अर्ली प्लांट्स लिख लेते हैं टू बी वेरी एक्यूरेट, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल तो अपने पास पहले से है ही, तो इसमें कुछ कट भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 320 मिलियन ईयर्स अगो हमारे पास जो है ये वाली चीज़ आ गई। जो सबसे पहले धरती पे जो लोग आए वो कौन आए? तो देख सकते हो आप प्लांट्स ही आए इधर, तो इसमें तो फिशेस वगैरह हैं, इधर प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स ही आए थे सबसे पहले, है ना, जो लैंड पे, द फर्स्ट इन्वेड लैंड वॉज प्लांट्स। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ये नीचे लिखते रहते हैं कुछ कुछ इसमें से, दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स, ये लिख लीजिएगा ये लाइन, मैंने दो तीन बार बोल दिया आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन भी। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते चले गए और इस तरीके से उन्होंने अपना मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिशेस 355 के आसपास आई गई, 350 ईयर्स के आसपास आई गई थी हमारे पास। ठीक है, जो फिशेस विद फिन्स थी विच कैन मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, तो फर्स्ट टू यहाँ लिखते रहते हैं साथ साथ नीचे, क्या कर रहे हैं बेटा अब हम? ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन।
ये जो भी एक एक बात की जा रही है इसको ऐसे ही याद रखना है, नहीं तो अक्सर इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। तो क्या है फर्स्ट टू इन्वेड, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। और अगर हम उन फिशेस की बात करें, फिशेस विद स्ट्रॉन्ग फिन्स, ये क्या करती थी, ये वाली फिशेस मूव ऑन लैंड गेट बैक टू वाटर। थ्री फिफ्टी मिलियन ईयर्स अगो के आसपास इन्होंने इवॉल्व किया अपने आप को। इन्वेडेड मतलब वहीं वाले प्लांट, इनको वाटर वाटर की जरूरत है, ऐसे वाला इन्वेजन, कब्जा करने वाला कि पक्का उसी पे कब्जा कर लिया, हटेंगे नहीं, कब्जा नहीं छोड़ते ना लोग, तो हिसाब से हम प्लांट्स को कंसिडर कर लेते हैं वहाँ पे। एक फिश के बारे में बहुत क्वेश्चन किया जाता है कि इन 1938 एक फिश हमने कैप्चर की थी साउथ अफ्रीका से, कोलेसिंथ फिश कॉट इन साउथ अमेरिका। दिस फिश हैड लॉब फिन्स। अब लॉब फिन्स है, फिन्स की बात हम अभी ऊपर ही करके आए, मूव बैक टू वाटर और लैंड वाला कॉन्सेप्ट है, मूव ऑन लैंड गेट बैक टू वाटर। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि दे हैव इवॉल्व इन टू फर्स्ट एम्फीबियंस, क्योंकि एम्फीबियंस की भी वही आदत होती है। कौन सी आदत होती है एम्फीबियंस की भी, कन्वर्टिंग इनटू लैंड और वाटर दोनों जगह रहना, कन्वर्ट कर लेते हैं फिर धीरे धीरे, वो जब वाटर में रहते हैं तो अलग तरीके से फंक्शन करते हैं और जब लैंड पे आ जाते हैं तो अलग तरीके से रेस्पिरेशन या फंक्शंस करते हैं। इसके अब हमारे पास कोई स्पेसिमेन लेफ्ट नहीं है, जो यह अपने पकड़ी थी दिस वॉज थॉट टू बी एक्सटेंट, इसलिए इस फिश को स्पेसिफिकली इस तरीके से कंसिडर किया जाता है। और इसलिए जब हम फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ते हैं लिविंग वर्ल्ड, वहीं हमें बताया जाता है कि बहुत सारी स्पीसीज आज भी अननोन है, बहुत सारे साइंसेस ये जो फैक्ट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, एज द थिंग्स चेंजेस हमें नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो हमें अपनी अप्रोच भी चेंज करनी पड़ती है उस चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मॉडर्न डे में हम कौन से एम्फीबियंस देखते हैं वो हमें मालूम है, टर्टल्स हो गए, सेलेमेंडर्स वगैरह, तो उनके एंसेस्टर्स तो हैं ही, ये जो लॉब फिन्स वाले यही एंसेस्टर्स हैं इन लोगों के। एम्फीबियंस ने किस में इवॉल्व किया, इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल्स। फर्क क्या था, ये हमने 11th क्लास में एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, क्लिडोइक एग्स एंड नॉन क्लिडोइक एग्स, कि एम्फीबियन का एग जो है वो सनराइज में सन अगर बहुत वो रहेगा उसके ऊपर तो ड्राई अप कर जाएगा, लेकिन रेप्टाइल का ड्राई अप नहीं करेगा क्योंकि उसके ऊपर क्लिडोइक कवरिंग है, एम्फीबियन के बाहर नहीं है, विच इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू एग्स, क्लिडोइक एंड नॉन क्लिडोइक एग, कि जो एम्फीबियंस थे उनके पास थिक शेल्ड एग्स नहीं थे, रेप्टाइल्स के पास थिक शेल्ड एग्स थे, इसके जो एग्स थे इसको हम क्या कहते हैं, क्लिडोइक एग्स, और दूसरे के क्या हो गए, ऑब्वियसली नॉन क्लिडोइक, ये थिक शेल्ड हैं, ड्राई अप नहीं होते सन में, डोंट ड्राई अप इन सन, जबकि एम्फीबियन के इसके उल्टे हैं। अभी आप जब ऊपर देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सच में ऐसा ही हुआ है। कैसा हुआ है कि फिशेज आई, फिशेज लॉब फिन्स वगैरह जो थी वहां से एम्फीबियंस आपने इवॉल्व करा लिए, एम्फीबियंस के बाद देखो अभी आपने कहा था रेप्टाइल्स, और एम्फीबियन और रेप्टाइल का कनेक्टिंग लिंक का है, उसने नाम भी लिखा हुआ है सी मोरिया, क्या लिखा हुआ बेटे, सी मोरिया नाम लिखा हुआ है ना, फिर रेप्टाइल्स से मैमल्स कन्वर्ट हुए हैं धीरे धीरे, बर्ड्स और मैमल्स हम जानते हैं, जो हमारा चैप्टर 11.4 एनिमल किंगडम में जो 11th में पढ़ते हैं उसका सीक्वेंस यही है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यहाँ तक की बात हमारे को समझ में आ जानी चाहिए कम से कम, कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले क्या क्या आया था, इसको लिख लीजिए एक मिनट लगा के, अपनी ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की हेडिंग डालनी है और उसमें हमें वन बाय वन ये चीज़ें लिखनी है
कि अराउंड 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आई थी, 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले इवॉल्व हुए थे वर्टिब्रेट्स, 500 मिलियन ईयर अगो पहले इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म और एक्टिव हुए हैं। ये तीनों बातें जो हैं आप फटाफट लिख लीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये लिख लिया होगा बेटे, है ना, ये लिख लिया तो ये भी लिख लीजिए जो अभी नीचे हम लोगों ने किया था। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन की हेडिंग के अंदर जो तीन चार बातें लिखी हैं, एक मिनट इसको भी ले लीजिए लिखने के लिए। तो ये जो लिखा होता है थोड़ा माइंड में रहना चाहिए कि किस तरीके से टाइम स्केल की वैल्यू कर रहे हैं। ऐसे ही आपको दिखेगा कि अगले 200 मिलियन साल में फिर लैंड लाइक रेप्टाइल्स बने, फिर डायनासोर्स बने, वो चले गए, ऐसे बहुत सारे वो मिलेंगे आपको। ये पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से चीजें इवॉल्व करी हैं। लिख लीजिए। टेक वन मोर मिनट गाइज, वी आर नॉट इन ए हरी, टाइम है, हम आराम से चीज़ों को देख सकते हैं। फिनिश कर लीजिए इन 30-40 सेकेंड्स। तो हमने देखा किस तरीके से 2000 मिलियन अरगो से पहले चलते चलते आप 300-350 तक आ गए हैं। धीरे धीरे रेप्टाइल्स में डायनासोर सबसे बड़े रेप्टाइल्स बने। डायनासोर कब गए इस धरती से? अगले मतलब 350 से लेकर नेक्स्ट 200 करीबन, मतलब 150 अगर 350 में से हम हटा दें तो नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स तक डायनासोर्स वगैरह ने बहुत अच्छे से वर्क किया, वो रेप्टाइल्स का ग्रुप वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहा। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें तो अपने को समझ में आई गई, अबंडेंस ऑफ ट्री फर्न्स वगैरह, लेटर ऑन से क्या बना, कोल वगैरह बना, वो भी हम जानते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर की, जब हम बात करते हैं ये हुआ अराउंड 65 मिलियन ईयर्स अगो, यानी पीछे हम 320-300 की बात कर रहे थे, अब 65 यानी करीबन 200 मिलियन ईयर्स तक ये सारा सिस्टम जो है हमारा चला अच्छे से। उसके बाद ये डायनासोर्स वगैरह वहाँ से हो गए एक्सटिंक्ट। इसका ट्रू रीज़न हमें से किसी को नहीं बताया, ट्रू रीज़न नॉट नोन। कुछ का मानना है कि एक्सटेंट हो गए, कुछ का मानना है ये बर्ड्स में कन्वर्ट हो गए, टूथ बर्ड, देखो लिखा ना साथ में एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर एंड टूथ बर्ड, सम बिलीव दे हैव इवॉल्व्ड इन बर्ड्स, सम बिलीव दे आर डायनासोर्स हैव इवॉल्व्ड टू बर्ड्स। ठीक है, अब इसके बाद मैमल्स की बात कर लेते हैं, प्राइमेट्स वगैरह। देखो आपको इधर ऐसे ही फ्लावरिंग्स दिख रहे होंगे, वो आप शायद बॉटनिकल पार्ट के हिसाब से समझते चले जाएंगे। फर्न्स आ गए, कॉनिफर्स आ गए, फ्लावरिंग प्लांट्स आ गए, वो बिल्कुल सेम सीक्वेंस में एल्गी से स्टार्ट करके ब्रायोफाइट, रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वैसे ही चल रहा है। तो एक ये बात इंपॉर्टेंट हो गई। फिर मैमल्स आ गए, तो इसमें भी ध्यान रखना है, फर्स्ट मैमल्स जो थे वर श्रियू लाइक, श्रियू मतलब मोल लाइक, स्मॉल मोल लाइक जो स्पीसीज होती है ना उसको कहते हैं श्रियू लाइक। स्मॉल मोल जो छोटे छोटे मार्सोपियल मोल्स, आपने अगर पढ़ा हो प्लेसेंटल मैमल्स और मार्सोपियल मैमल्स के बीच में जब पैरेलल इवोल्यूशन पढ़ते हैं वो, तो फर्स्ट मैमल्स वर श्रियू लाइक, ये इंपॉर्टेंट बात होती है हमारे पास। मैमल्स जो थे वो विविपैरस थे, मैमल्स विविपैरस थे, जिसका मतलब हम जानते हैं अपने यंग वन को बेटर प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग,
मैमल्स मोर इंटेलिजेंट थे? टू सेंस डेंजर. इस वजह से जब धीरे धीरे रेप्टाइल्स ने नीचे जाना शुरू किया पॉपुलेशन में, तो मैमल्स ने अपने आप को आगे बढ़ाया. तो रेप्टाइल्स के बाद जो हम करंट एरा में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मैमल्स. क्या पढ़ते हैं बेटा? मैमल्स. और अब मैमल्स का ग्रुप आज तक चल ही रहा है, और उन मैमल में से एक जो इंपॉर्टेंट मैमल है वो है मेन. वो क्या है? मेन. तो ये छोटी सी बात लिख लीजिए, रेप्टाइल्स और मैमल्स वाली. टेक योर वन मिनट टाइम, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन, उस पर फोकस करते हैं. देन वी विल फोकस ऑन ह्यूमन एवोल्यूशन. तो ये ब्रीफ अकाउंट है धीरे धीरे किस जोन में, किस पीरियड में, कैसे कैसे मैमल्स और प्लांट्स वगैरह सब ग्रो करते चले गए. सेम सेम ही लिखा हुआ है, तो उसी हिसाब से अगर 65 मिलियन ईयर्स अगो पे अपने एक्सटेंशन लिखा है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स भी आप लिख सकते हो कि उस टाइम पे आए थे. तो टेबल का कोई एक हिस्सा समझ लीजिए, दूसरा रिलेट ही कर रहा है, क्योंकि दोनों का जो टाइम पीरियड या एरा है वो सेम ही है. ये भी क्रिटेशियस है, ये भी क्रिटेशियस है, तो ये बड़ा ईजी होगा बाद में मान लिए. चलिए, मेरे ख्याल से ये हमने लिख लिया है बेटा, इसमें हमें कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी या नहीं है. चलिए ठीक है, अगर ये लिख लिया है तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ मैन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मैंस कहाँ से आए हैं, किस एरा में आए हैं, उसके एक एक करके हम बात कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कहते हैं प्रिमिटिव रेप्टाइल से आया है. कौन से प्रिमिटिव रेप्टाइल से आया है? तो कहते हैं थ्रेप्सिडा से. अभी दिखाएंगे उसको आपको. उसके बाद इन ट्राइजिक पीरियड, ठीक है, ये रहा जी ट्राइजिक पीरियड में कोई थ्रेप्सिड वाले रेप्टाइल थे, वहाँ से इवॉल्व हुआ है. और ये पीरियड था करीबन करीबन 210 मिलियन ईयर्स अगो पहले. ये पीरियड कब था? 210 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये पीरियड था, और आप इससे पीछे 320 लिखते हुए आए ही थे. मैमल्स स्मॉल रैट लाइक या स्मॉल मोल लाइक या श्रू लाइक क्रिएचर्स के तौर पे आए मीजोजोइक एरा में. किस में आए? मीजोजोइक एरा में. कौन आए? मैमल्स. मीजोजोइक एरा में किसने एग्जिस्ट किया? मैमल्स ने एग्जिस्ट किया. तो भाई मैमल्स एग्जिस्टेड अराउंड 150 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, इन द मीजोजोइक एरा. वहाँ से इनकी एग्जिस्टेंस शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे ये जब एग्जिस्ट हुए तो एक चीज़ रेप्टाइल जो है वो ड्रॉप होते चले गए, और फिर धीरे धीरे हम आज की जनरेशन में आई गए, ये हमें पता चल गया. ट्राइजिक पीरियड का पता चल गया कि ट्राइजिक पीरियड की बात अगर हम करते हैं तो 210 मिलियन ईयर्स अगो वाली बात हमें उसमें करनी पड़ती है. उसके बाद जो हमारा प्राइमेट ऑर्डर है, जिसमें हम ऑर्डर प्राइमेटा का कंसिडर करते हैं, मैन हो गया, एप्स हो गया, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, इसके एक्सटिंक्शन के जस्ट बाद ही आई थी राइज ऑफ फर्स्ट प्राइमेट जिसको हम कहते हैं. तो इसका भी टाइम ऑलमोस्ट वही माना जाता है 65 मिलियन ईयर्स अगो, कि जब आप क्रिटेशियस वाले पीरियड में एक्सटिंक्शन देख रहे थे डायनासोर का, तो वहीं उसी पीरियड में कहीं ना कहीं फर्स्ट प्राइमेट्स का जो ऑर्डर है, प्राइमेट के ऑर्डर में मैन, एप्स, मंकी सब आ जाते हैं, वो लोग इमर्ज भी कर रहे थे 65 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास. द एंथ्रॉइड एप्स जो एंसेस्टर हैं हमारे, वो करीबन करीबन ओलिगोसीन पीरियड में. ओलिगोसीन पीरियड का मतलब बेसिकली होता है 36 मिलियन ईयर्स अगो. राइज ऑफ फर्स्ट एप्स एंड मंकीज, या जो हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर्स हैं उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो करीबन इस जो दौर में रहे थे, और टिल मियोसिन, मियोसिन एरा तक वो रहे थे. होमिनिड्स जो होते हैं वो करीबन करीबन जो है प्लियोसीन एरा में आए थे 24 मिलियन ईयर्स अगो. होमिनिड जैसी जो चीज़ है वो 24 मिलियन ईयर्स अगो आई थी. और फिर धीरे धीरे ह्यूमंस इवॉल्व हुए, और अब हम इसके बाद एग्जैक्ट ह्यूमंस की ही बात करने वाले हैं. तो अगर किसी बच्चे को ये लिखना है तो ये 2-3 टाइम पीरियड्स और लिख ले साथ में, कि मेसोजोइक में एग्जिस्टेंस के तौर पे स्मॉल एंड मैमल्स, फिर ओलिगोसीन, फर्स्ट एप्स वगैरह, प्राइमेटा 65, और प्लियोसीन 24 मिलियन ईयर्स अगो. ये 3-4 छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए. विच इज़ अंडर द कैटेगरी मैंस प्लेस अमंग मैमल्स. क्या कैटेगरी रखोगे इसकी? एक तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन आपने रखा था, अब जब ये ऊपर सोइनोजाइक एरा में टर्शरी इसमें पीरियड्स में बात कर रहे हैं, ये हम जितने भी बात कर रहे थे अभी अभी, ये हमने बात की मैंस प्लेस अमंग मैमल्स की. अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, या जो मैन है उसके क्या करेक्टर्स हैं,
क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस आए हैं ह्यूमंस में टाइम के साथ, अब हमारा जो फोकस होगा वो उस बात पर है। चलिए, तो एक तो ये बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन। बाकी तो हमने ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन एंड मैन्स प्लेस अमंग मैमल्स, स्पेसिएशन एंड नियो डार्विनिज्म देख लिया है, अब यही हमारा देखना बचा है, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दो पैरों पे चलते हैं हम लोग, ये हमारी लोकोमोशन की हैबिट है, बाइपेडल लोकोमोशन। लार्ज साइज ब्रेन, ये भी हमारी हैबिट है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। हैव फोरामेन मैग्नम, प्रोमिनेंट चिन, प्रोमिनेंट चिन एंड नोज, लॉन्गेस्ट पेरेंटल केयर, अ गुड विजन। तो ये बेसिक से चार ही पॉइंट्स काफ़ी हैं इसके लिए। इम्पॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, अब उसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है इवोल्यूशनरी चेंजेस इन ह्यूमंस, क्या क्या धीरे धीरे चेंज हुए हैं। तो ऐसा नहीं है पहले दिन से ही प्रोमिनेंट चिन्ह था, ये तो हम आज की मेन की बात कर ली हमने करेक्टरिस्टिक फीचर्स में। अगर हम वैसे सोचेंगे तो हमें पता चलेगा इवोल्यूशनरी तौर पे कि एक हमारा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ प्रोमिनेंट चिन्ह, दूसरा इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ, रिडक्शन इन साइज ऑफ टीथ, इरेक्ट पोस्चर, और ये जो हमारी एबिलिटी होती है कि हम अपने थंब को किसी भी फिंगर टिप के साथ टच कर सकते हैं, पोज कर सकते हैं विद एनी अदर फिंगर, दिस इज कॉल्ड एज थंब अपोजिबिलिटी। सब में नहीं होती है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ, कि हम थंब को टर्न करके किसी फिंगर टिप से कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ थंब अपोजिबिलिटी। ठीक है, ऑफ का थोड़ा स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा भाई। ठीक है, तो चार पांच छह चीजें जो हमारी मेन मेन चेंजेस आए इवोल्यूशनरी चेंजेस इन ह्यूमंस, वो लिख लीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं तो। टेक योर वन मिनट टाइम फॉर दैट। डेवलपमेंट ऑफ प्रोमिनेंट चिन, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ, रिडक्शन इन साइज ऑफ टीथ, इरेक्ट पोस्चर एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ थंब अपोजिबिलिटी, ये छह पॉइंट्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे इवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जो धीरे धीरे ह्यूमंस के अंदर आए हैं। चलिए, आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने। स्पीच भी है, शॉर्टर फोर लिम्ब्स भी हैं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, बट एटलीस्ट ये हमें पता होने चाहिए ही चाहिए, ये तो मिनिमम है, इतना हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए भाई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं बेटे। अच्छा देखो, अब थेरेपसिड्स की हम कहीं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, कहा था ना मैमल्स, मैन प्लेस अमंग मैमल्स में, तो देख लो चाहे देखना चाहो तो, उसी छोटी सी चीज़ के लिए पूरा डायग्राम लाया था मैं, कि देखो थेरेपसिड्स ये यहाँ एक्सटिंक्ट हुए हैं और इसी से आगे चल के आपने क्या बनाया है मैमल्स, मॉडर्न डे कौन है ये रे। तो यही बात थी एग्जैक्टली थेरेपसिड्स वाली, शायद वो जो हमने बोली थी वहाँ पे, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए किस एरा में है, ट्रायजिक है ना, और ट्रायजिक के लिए आपने लिखा भी था 310, 150, 210, तो ये बात अपने को जो है अब और बेटर क्लियर हो जानी चाहिए थेरेपसिड्स वाला पॉइंट।
ऐसी प्लांट्स का हमने कहीं कहीं पर बात करा है, कौन फर्न्स हैं, कौन एंजियोस्पर्म्स हैं, किस एरा में है, किस पीरियड में कौन आया, वो ईयर वाइज आप देख लीजिएगा, आप वहाँ पे अपने ईयर वाइज मेंशन किया हुआ है, क्रॉस टेबल देखोगे तो पता चल जाएगा कि अगर ट्रायजिक के सामने 2010 था और उस टाइम पे वहाँ पे आप मैमल्स एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ ट्रायजिक में आपको दिखेगा कि आर्बोरस एंड लाइकोपोड्स खत्म हुए हैं और सीड फर्न्स डेवलप हो रहे हैं इंटू डाइकॉट एंड मोनोकॉट, मॉडर्न भी दिख रहा है आपको। ये वाला जो डायग्राम है ये सिर्फ इसलिए बताया गया था कि आपको समझ में आ जाए कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका अब लेटर ऑन ज्वाइन कर गए थे, नॉर्थ का फौना जो था वो डेवलप कर गया इसके ऊपर, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल अलग हो गया था, तो यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल सर्वाइव कर गए थे, सॉरी मार्सिपल मैमल कर गए थे, क्योंकि उनको प्लेसेंटल मैमल से कोई चैलेंज नहीं मिला था, तो ये बात भी इम्पॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं इसकी सिमिलैरिटीज बिटवीन एप्स एंड मैन, क्या सिमिलैरिटी है जो दो चार याद रखनी है वो बता देते हैं, अच्छी टेबल है। एब्सेंस ऑफ टेल, दिस इज नंबर वन सिमिलैरिटी। रिड्यूस नंबर ऑफ लंबार वर्टिब्रा, जानते हो गए सर्वाइकल थोरासिक लंबा, तो लंबा के वर्टिब्रा स्मॉल हो गए, धीरे धीरे कम हो गए। क्रेनियल कैपेसिटी अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, ब्रो रिजेस जो वाला पॉइंट होता है ये वेल डेवलप्ड है थोड़े से। कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन, हाईली डेवलप्ड फेशियल मस्कुलेचर, दिस पॉइंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सोशल बिहेवियर, सिमिलैरिटी इन ब्लड प्रोटीन एंड बेंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ के भी आए थे कि हम सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव चिंपांजे से हैं, तो सिमिलैरिटीज सिंपल हैं, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, बहुत कम चांस है कोई पूछेगा आपसे, तो लिखने का बहुत ज़्यादा इसमें नीड नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। ऐसी क्रोमोसोम एंड मॉलिकुलर होमोलॉजी, होमोलॉजी तो आपको मालूम ही है फिर कि स्ट्रक्चरल डिटेल सेम, यानी जीनोटाइप की ज़्यादा बात करोगे आप, जैसे डीएनए कंटेंट सेम है, एप्स के पास 48 क्रोमोसोम है, हमारे पास 46, बेंडिंग पैटर्न सेम है, ए बी ब्लड ग्रुप दोनों में मिलता है मंकीज़, हमने ये पढ़ा था फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में भी जब इम्यूनोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़े थे। प्रोटीन होमोलॉजी हमारी मैक्सिम किसके साथ है, चिंपैंजे फॉलोड बाय गोरिल्ला, और हमने ये लिखा भी था वहाँ भी कि हमारी सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो किसके साथ है, चिंपैंजे के साथ है, सेम बात हम रिपीट कर रहे हैं। तो ये दो पॉइंट्स भी पता होने चाहिए आपको, दोबारा से दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में होनी चाहिए कि नॉलेज इनहांसर एंड क्रोमोसोम एंड मॉलिकुलर होमोलॉजी, अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, ठीक है। आई होप ये भी हमें क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या सिमिलैरिटी है, कौन किससे कितना सिमिलर है। हमारा और गोरिल्ला का अगर हीमोग्लोबिन देखें तो सिर्फ एक अमीनो एसिड में ईच ऑफ द टू टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं उसमें डिफर कर रहा है, पॉलीपेप्टाइड मतलब मोर देन 10-50 पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो वाला पॉलीपेप्टाइड है ना, 146-141 अमीनो एसिड्स की चेन हीमोग्लोबिन में, वैसे वाली बात करें। तो अब हम बात करते हैं आगे जो अपना मेन टारगेट है कि मेन में कौन कौन सा चीज़ किस किस एरा में आता चला गया, उसकी अगर हमसे कोई बात पूछ ले तो या तो मॉडर्न मैन बताया है, कहीं होमिनिड्स प्रिमिटिव मैन लाइक जो है वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो भाई ये हमें समझ में आ गया बात। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी मेन ह्यूमन एवोल्यूशन की, तो टाइम पीरियड से जो बात हमें समझ में आएगी वो क्या आएगी कि हम लोग 24 मिलियन ईयर अगो तक की बात कर रहे हैं अराउंड प्रिमिटिव टाइप की, तो अब इसी एरा के आसपास देखो हम सारी बात करेंगे किस तरीके से मॉडर्न मैन तक पहुँचेंगे। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट बात है जो हमें ध्यान से सुननी है, ठीक है। तो 24 तक कुछ ऐसा था, तो वहीं के करीब से हम लोग शुरू करते हैं कि अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो दो प्राइमेट्स हैं हमारे पास, ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ठीक है। दो हमारे पास थे ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस, ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, देवर हेयरी, दे वॉक्ड लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज, इनकी जो वॉक करने का तरीका था वो गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसा था, इंपॉर्टेंट बात। रामापिथिकस मोर मैन लाइक था, ड्रायोपिथिकस मोर एप लाइक था, मोर एप लाइक, और ये था मोर मैन लाइक। तो ये दोनों हमें पता होने चाहिए थे, दोनों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद एक तो ये हिस्सा हो गया, नंबर दो पे आया फ्यू फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया, ठीक है।
हैविंग होमिनिड फीचर्स. होमिनिड फीचर मतलब वही ओमनिवोरस होना, बायपेडल लोकोमोशन होना, ऐसा फीचर्स. नॉट टॉलर देन 4 feet. नॉट टॉलर देन 4 feet. ठीक है, तो कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले, इनको हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के नाम से जाना 2 million years ago. कौन लोग आए? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस. लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीका. प्लीज ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया मत बोल देना सीधा. दे हंटेड विद स्टोन्स एंड एट फ्रूट्स. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उन लोगों ने एसेंशियली फ्रूट ही एट के, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक, या ह्यूमन लाइक बीइंग शायद एक बेटर वर्ड रहेगा, होमिनिड वॉज कॉल्ड एज रिवील्ड होमिनिड फीचर्स एंड हैव इज अ होमिनिड इज अ डिफरेंट थिंग. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इज कॉल्ड एज होमो हैबिलिस. इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी 650 to 800 cc. क्रेनियल कैपेसिटी. डोंट ईट मीट. ये लोग भी मीट कंजप्शन नहीं कर रहे थे प्रॉबेबली. नेक्स्ट स्टेज जो हमारी आई वो आई फॉसिल्स डिस्कवर्ड इन जावा 1891. रिवील्ड नेक्स्ट स्टेज. क्या नाम था नेक्स्ट स्टेज का? होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस. वो 2 million years ago थे, ये थे करीबन 1.5 million years ago. इनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी 900 cc. सीसी का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी. इन लोगों ने एट मीट, ये वाला काम भी किया कि दे एट द मीट. इसके बाद नंबर 5 पे जो हमारे सामने आते हैं वो आते हैं नियंडरथल मैन. ब्रेन साइज या इनकी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो 1400 सीसी है. ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहने वाले हैं ये. ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया. 40,000 to 1 lakh years ago. खास बात क्या थी? दे बरिड देयर डेड. बरिड देयर डेड एंड प्रोटेक्टेड देयर बॉडीज. ढक के हाइड करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे. अब आगे होमो सैपियंस नंबर 6 पर. होमो सैपियंस अराइज इन अफ्रीका या अरोज इन अफ्रीका, बेटर वर्ड अगर हम यूज करना चाहें, एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स. मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस. इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस. ...1450 to 1600 cc के आसपास क्रेनियल कैपेसिटी काउंट करी जाती है इन लोगों की. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं इस तरीके से. फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 years back एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड.
दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि इस तरीके से हमारे यहाँ पे 6 डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज जो हैं वो फ्रेम हुई हैं, फॉर्म हुई हैं. 6 की 6 आपको जो है बिल्कुल ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. जब भी आप पढ़ें इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें. होमो हैबिलिस को टूल मेकर भी कहते थे, ये बात भी आप ध्यान कर सकते हैं. इसका एक और नाम था टूल मेकर. अर्ली टूल मेकर या अर्ली ट्रूमैन के नाम से ये फेमस था. ठीक है, तो अगर लिखना चाहें तो ये आपके सामने है. तो ये आपके सामने बेटा, लिखना चाहें तो एक एक करके हम लिख सकते हैं. अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, फिर कौन कौन से फॉसिल्स कहाँ कहाँ पे डिस्कवर हुए. दो मिलियन साल पहले क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने हंट वगैरह किया, कैसे फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग्स हमने फॉर्म करे, फॉसिल्स किस एरिया में डिस्कवर हुए, और नीएंड्रथल मैन, होमो सैपियंस. तो ये सब हमारे को मालूम होना चाहिए. इजी टू अंडरगो है ये सारी चीज़ें, कोई बहुत मुश्किल नहीं है. होपफुली हमें समझ में आ गई हैं. लिख लीजिए साथ साथ, कुछ लिख भी लिए होंगे. और बस यही है, तो इवोल्यूशन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. अगर हमें इतनी बात याद है तो हमारा सारा काम इसी में ख़त्म हो जाएगा. और यही हमें पता होना चाहिए, अगर हमें इतनी चीज़ आती है कि इवोल्यूशन में कौन सा किस किस मिलियन ईयर्स अगो तक आया. हम 350 मिलियन ईयर अगो से कहीं बात करके 2000 मिलियन ईयर अगो से इवोल्यूशन को लाते लाते अब हमने 40,000 टू 1 लाख ईयर्स तक आ गए हैं. यही हमारी सक्सेस है. और ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कब आया, किसको क्या कहते हैं, किसकी क्या क्रिनल कैपेसिटी है. क्रिनल कैपेसिटी पे पिछले साल भी नीट में क्वेश्चन पूछा गया था. एक्सपेक्टेड है किसी भी साल इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इट इज़ क्वाइट मच एक्सपेक्टेड. तो इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा, यही आपसे एक्सपेक्टेड है. एवोल्यूशन चैप्टर में अब कोई भी अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं. अब हम नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो बेटा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. कौन सा शुरू करेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट ऑल्सो, उसकी भी क्लासेस होंगी. ये वाला हमने आज एवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म और कैसे टाइम स्केल्स का जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है उसको हमने कोशिश करी है कि हम कवर कर लें, और समझने की कोशिश की है कि अगर समझेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक हमें याद रहेंगी चीज़ें, और याद करेंगे तो भूल ही जाते हैं. ये तो बहुत पुरानी बात है ही, है ना. तो दिस इज़ द लास्ट स्लाइड, इसको आप देख लीजिएगा वीडियो में पॉज करके आखिरी तक भी. होपफुली अब तक पूरे एवोल्यूशन के 5-4 लेक्चर, एक ट्यूटोरियल जो अपना हुआ है, 5 लेक्चर और एक ट्यूटोरियल जो हुआ है वो समझ में आया होगा. कोई दिक्कत है तो आप कन्वे कर सकते हैं. ठीक है भाई, गाइज थैंक यू सो मच. प्लीज़ कीप अटेंडिंग द क्लासेस, स्टे ट्यून्ड. थैंक यू, सी यू सून अगेन.